5 करोड़ की कीमत का महल मिट्टी में मिल गया। बुलडोजर और पोकलिन मशीन ने इसे मलबे में बदल दिया। तस्वीरें फिल्मी लग रही हैं। जरा इसे गौर से देखिए। यहां खड़ी 3 कारों को बुलडोजर ने पहले हवा में लटकाया, फिर जमीन पर पटका। तस्वीरें छतरपुर की हैं, जहां विवादित टिप्पणी के विरोध में सिटी कोतवाली थाने पर पथराव हुआ था। ये बंगला पथराव में शामिल आरोपी हाजी शहजाद अली का है। आरोपी शहजाद की पहचान सीसीटीवी क्लिप से हुई थी। अब इसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। 5 करोड़ का बंगला तबाह हो चुका है। बताया जा रहा है कि 20,000 वर्ग फीट में ये बंगला अवैध ढंग से बनाया गया था। अब पूरा मामला समझिए। विवादित टिप्पणी को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंची भीड़ थाने के सामने खड़ी थी। प्रभारी समझाने बाहर आए तो पथराव शुरू हो गया। 10 मिनट तक यहां पत्थरबाजों ने उपद्रव किया था, जिसमें टीआई सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इनमें एक की हालत गंभीर है। लॉ एंड ऑर्डर को मिली इसी चुनौती को खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेहद गंभीरता से लिया। आरोपियों की पहचान कर फौरन एक्शन लेने का आदेश दिया। नतीजा सामने है। पत्थरबाजों की भीड़ की अगुवाई का आरोप हाजी शहजाद अली पर लगा था। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर छतरपुर में 100 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, तो 250 अज्ञात लोगों को भी पथराव के इस मामले में आरोपी बनाया गया था। उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूत कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एमपी में गृह मंत्रालय खुद सीएम मोहन यादव के पास है और बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरे बुलडोजर एक्शन की मॉनिटरिंग भी की।